नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हम अबेकस पर मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। आइए सबसे पहले बोर्ड पर हम सवाल लिखें जिसे हम अबेकस पर सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 459 मल्टीप्लाई बाय 79। 459 मल्टीप्लाई बाय 79। तो सबसे पहले जो पहली बात हमें ध्यान देनी होती है कि मल्टीप्लिकेंड को कहां से लिखना शुरू करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लायर के नंबर हैं, डिजिट्स हैं, और मल्टीप्लिकेंड के डिजिट्स हैं, उन दोनों का टोटल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 2 डिजिट मल्टीप्लायर में है और 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेंड में है, टोटल डिजिट्स हो जाते हैं 5। तो उसमें 1+ करके 6th कॉलम से लिखना हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अबेकस पर। सबसे पहले डिजिट्स को टोटल काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5 राइट साइड से 5th कॉलम, उसमें 1+ करके, तो मतलब 6th कॉलम से हम लिखना शुरू करेंगे 459 मल्टीप्लाई बाय 79 हम लिखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट में आगे, 459 मल्टीप्लाई बाय 79। सबसे पहले मल्टीप्लायर की हाईएस्ट यूनिट जो है टेंस से मल्टीप्लिकेंड की लोएस्ट यूनिट वंस को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 जा 63, और जो मल्टीप्लिकेंड का वंस है उसके जस्ट राइट से हम लिखना शुरू करते हैं, जो हमारी हंड्रेड का कॉलम है, तो हम लिखेंगे 63। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमारे ध्यान रखने योग्य है वो है कि जहां हमने लिखना खत्म किया हम उसी कॉलम से अगला जो नंबर है उसको लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने 3 लिखा है और 3 के पास से ही अगला जो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा उसको हम लिखना शुरू करेंगे, 7 9 जा 63। अब 9 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81। तो 3 जहां लिखा है वहां हम 8 लिखेंगे और वंस में आ जाएगा उसके राइट में 1। तो 8 का जो रूल होता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 2। अब हमने टेंस में 8 सेट कर दिया है, अब हम वंस में क्या करेंगे, 1 सेट कर देंगे, तो ये हमारा 81 हो गया। 9 को हमने मल्टीप्लायर के दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, 9 को क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास एक कॉलम ये और खाली हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, अब हम 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, और उसके जस्ट राइट से हम लिखना शुरू करते हैं 3, और हंड्रेड की कॉलम में आ जाएगा 5। 5 सेट करने के लिए 5 हमारे पास ऑलरेडी सेट है, तो 5 का जो रूल होता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 5। तो हमने 35 लिख लिया। अब हम 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 45। तो 35 का 5 हमने हंड्रेड में लिखा था, इसलिए अब यहाँ पे 45 का 4 आएगा और टेंस में 5 आ जाएगा। 4 लिखने के लिए हमारा रूल होता है सेट 5 क्लियर 1, और टेंस में हम लिखेंगे 5, तो 5 का भी ऊपर से सेट कर देंगे। और ये हमने 5 को भी मल्टीप्लाई कर लिया दोनों डिजिट से, अब उसको क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हम 7 से पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 जा 28, हमने 2 लिखा, और थाउजेंड्स में 8 लिखना है। 8 लिखने का हमारा जो रूल होता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 2। अब नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, 9 4 जा 36, अब हम थाउजेंड्स में 3 लिखेंगे और उसके बाद हंड्रेड्स में 6 लिखेंगे। तो 3 का रूल होता है सेट 5 क्लियर 2। हंड्रेड्स में हमने 6 लिखना है, तो 6 का रूल होता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 4। तो थाउजेंड्स में हमने 1 सेट कर लिया, हंड्रेड से 4 क्लियर करना है, तो 4 का रूल होता है क्लियर 5 सेट 1। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, किसको, 4 को भी बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिया, और अब हम क्या कर देंगे, उसको 4 को क्लियर कर देंगे। तो अभी हमारा आंसर आता है जिसको हम पहले बोर्ड पर चेक करेंगे। चलिए देखते हैं,
81 का 1, 8 कैरी, 9 5 जा 45 और 8 होता है 53 का 3, 5 कैरी, 9 4 जा 36 और 5 होता है 41, देन सेकंड मल्टीप्लिकेशन 7 9 जा 63 का 3, 6 कैरी, 7 5 जा 35 और 6 41 का 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, टोटल करेंगे दोनों प्रोडक्ट्स का 1336, 1 और 1 2, 4 और 2 6 और 3 का 3, ये हमारा आंसर आ जाता है उसमें 3, आप बोर्ड में देख सकते हैं 36261 मींस 36261। चलिए देखते हैं अब एकस पर हमारा क्या आंसर आया है 36261, आप देख सकते हैं वंस में 1, टेंस में 6, हंड्रेड्स में 2, थाउजेंड में 6 और 10,000 में 3 मींस 36261 और बोर्ड पे आपका जो आंसर आया था 36261। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही है। इसलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़े सा जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या है, पहली बात दोनों के मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के जो डिजिट्स हैं उनका टोटल करके उनमें वन प्लस करके अबेकस पर राइट साइड से हम उतने कॉलम से लिखना शुरू करते हैं। दूसरी बात, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लायर के जो हाईएस्ट डिजिट या हाईएस्ट यूनिट होता है उससे मल्टीप्लिकेंड के लोएस्ट डिजिट की तरफ से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तीसरी बात ध्यान देने योग्य, 10 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं उनको हम डबल डिजिट मान के चलते हैं, 01 02 03 04 इस तरह से करके चलते हैं। चौथी बात, जब भी हम मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड के जो डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल होता है, उसको अगला नंबर वहीं से लिखना शुरू करते हैं जहां पे हमने एक नंबर को लिख के छोड़ा था। अगर आप प्रिंट में उसे समझना चाहें तो अबेकस पे अगर हमने कहीं पे 34 लिखा है और अगला जो प्रोडक्ट आता है हमें 25 लिखना है, तो जो जहां हमने 4 लिखा था वहां 25 का 2 आएगा और 5 उसके राइट वाले कॉलम में आएगा। ठीक उसी प्रकार उसके बाद अगर अगला प्रोडक्ट हमारे पास 12 आता है तो 5 वाले कॉलम में हम 1 लिखेंगे और अगले कॉलम में 2 चला जाएगा। तो इसी तरह से अबेकस पे इस तरह से हम उसके प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। और फाइनली जब आप देखोगे जो आपका आंसर आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आता है, तो उसमें जो 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 नंबर्स हैं उनके जो भी डिजिट्स हैं वो अपने अपने जो उनका रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं उनमें आते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है 9804 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 85। ये हमारा अगला सवाल है। फोर डिजिट नंबर को हमने टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं फोर डिजिट नंबर है हमारा मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर है टू डिजिट का, तो फोर और टू हो गए 6। तो हम लिखना शुरू करेंगे सेवेंथ कॉलम से लिखना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले अपना अपना अबेकस को क्लियर कर देते हैं। तो हम लिखना शुरू करते हैं 9804 एक राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ कॉलम से लिखना शुरू कर रहे हैं 9804 मल्टीप्लाई बाय 85 9804 मल्टीप्लाई बाय 85। तो सबसे पहले अब नंबर लिख लिया। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य थी, मल्टीप्लायर का हाईएस्ट यूनिट है टेंस, उसमें 8, मल्टीप्लिकेंट का लोएस्ट यूनिट है 4, तो 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 उसके जस्ट राइट में लिख लिया। अब 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, जहां 32 का 2 लिखा था वहां 20 का 2 लिखेंगे और उसके राइट साइड में 0 आ जाएगा जो वंस का कॉलम है। 4 को मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लायर के दोनों डिजिट से कर लिया, 4 क्लियर कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं 340 हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अब हमें 8 से 0 को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से 0 को मल्टीप्लाई किया उसके राइट में 1000 में भी 0 आएगा और 100 में भी 0 आएगा, फिर 00 क्योंकि हम उसको डबल 0 लेके चलेंगे। फिर हम
मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 0 को, जो 0 0 आएगा तो उसमें 100 में भी 0 आया हमारा और 10 में भी 0 आया, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम बात करेंगे 8 से, मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 को, 8 8 जा 8 8 जा 64, उसके जस्ट राइट से लिखना शुरू करेंगे 64, यहाँ 4 आया हमारा। अब 5 8 जा 40, तो यहां पे हम 4 लिखेंगे और यहां 0 लिखेंगे, मतलब 1000 में 4 लिखेंगे और 100 में 0 लिखेंगे, तो 4 के लिए 4 बीट यहां नहीं है, तो सेट 5 क्लियर 1 और 100 में हमारा 0 हो गया। तो हमने 8 को मल्टीप्लाई कर लिया, 8 क्या कर देंगे हम क्लियर कर देंगे। अब हम 8 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, ये हो गया हमारा 7, एंड देन उसके राइट साइड में जो हमारा 10,000 की लाइन है उसमें हम लिखेंगे 2 72। अब 5 9 जा 45, तो यहां जो 10,000 है वहां पे आएगा 4 और उसके बाद 1000 में आ जाएगा 5, तो 4 के लिए 4 का जो रूल होता है वो होता है क्लियर 1 सेट 5, 5 ऑलरेडी सेट है तो 5 का रूल होता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 5। अब 1000 में हम लिखेंगे 5, 5 ऑलरेडी सेट है तो 5 का रूल लग जाएगा यहां पे सेट 1 इन लेफ्ट साइड, मतलब 10,000 में 1 सेट कर दो और 1000 से 5 क्लियर कर दो। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 को क्या कर देंगे हम क्लियर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे चेक करते हैं बोर्ड से, 5 4 20 का 0 2 कैरी, 5 0 0 2 प्लस हो गया 2 आ जाएगा, 5 8 40 का 0 4 कैरी, 5 9 45 और 4 49। नेक्स्ट 8 4 32, 8 0 0 3 कैरी जुड़ गया उसमें आ गया 3, 8 8 64 का 4 6 कैरी, 8 9 72 और 6 78, 0 2 और 2 4, 3 का 3 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी, 8 4 12 1 13 3 और 8 8 3 3 4 0। देखते हैं हमारा अबेकस का आंसर 8 3 3 3 4 0। आप देख सकते हैं वन्स में 0 है, टेन्स में 4, हंड्रेड में 3, थाउजेंड में 3, 10,000 में 3 और लाख में 8, तो 8,33,340 हमारा आंसर है, जो बोर्ड के आंसर से बिल्कुल मैच करता है, 8,33,340। तो ये है अबेकस पर सवाल करने का तरीका कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो तब मैंने 3-4 बातों पे विशेष ध्यान देने की बात कही थी कि 3-4 चीजें हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, अगर हम उसको अच्छे से करते हैं, अटेंटिवली करते हैं थोड़ा, तो आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको, उनसे बचने के लिए, उनको दूर करने के लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा और उतना ही आप मल्टीप्लिकेशन अबेकस पर कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोस देखते रहेंगे, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। अब अगले सप्ताह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।